क्या सोच रहे हैं आप लोग मधुपुर में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर? हम लोग को तो बहुत दुख है। किस बात का दुख? हम लोग को दुख है कि जो हम लोग के लिए काम कर रहे थे, जो हम लोग का समाज को देख रहे थे, जो पड़ा ऊंचा नीचा कुछ नहीं समझ रहे थे, लॉकडाउन में भी सबका साथ दिए, उनको टिकट ना दे करके अब ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शारदा शरण है। मतलब इस बात से नाराज हैं कि राज पलिवाल का टिकट काट दिया? हाँ पूरा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं उनको, और बहुत दिन से जानते हैं, और वो प्रजा के लिए काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, जो उनके सामने जाता उनका सुने हैं। बोल रहे हैं कि वो हमेशा सुनते थे, लेकिन अभी आपके बगल में बात कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि वो हमेशा देवघर में रहते थे। गरीब को मिलना था तो 50 रुपए भाड़ा खर्च करके जाना? नहीं वो ऐसी बात नहीं है, शेखपुरा में उनका डेरा है और वहाँ हाँ कभी कभी रहते हैं। हाँ कभी बराबर वहाँ जो है कि जो भी गया है हर कोई से मिले हैं, उनका जो साथी संगत है, उनका जो कार्यकर्ता है उनसे भी लोगों का भेंट हो जाती थी और उनका वो सुना करते थे, कार्यकर्ता खुद सुनवाते थे, कार्यकर्ता खुद ले जाते थे उनके पास कि भाई इनका काम कर दो, और ये करते थे। खुश नहीं है कि गंगा को टिकट? जी नहीं कभी नहीं, हम लोग उनको पहचानते नहीं है। इस बार वोट किसको दीजिएगा? खड़ा होंगे राजगी है फूल छाप में, अगर वो राज परिवार अगर आ गए फूल छाप से तो उनको वोट मिलेगा, अन्यथा यह वोट जो है कि नहीं नोटा में जाएगा। क्या बोले? नोटा में दबा दीजिएगा। राजपरिवार से इतना स्नेह का बात नहीं है, वो काम कर रहे थे ना लॉकडाउन में, आप लोग देखे नहीं वो कितना काम किए? रांची से आए? हाँ नहीं लॉकडाउन में बहुत काम किए वो, और ये तो कभी हम लोग को दिखे नहीं। हम लोग तो रोड पर रहते हैं ना, हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का रोड मेन रोड में घर है तो हम लोग देखते हैं कौन आ रहा है नेता। क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है कि उनका टिकट काट? यहाँ पर राजनीति हो गया, सियासी हो गया, राजनीति हो गया है, राजनीति। आप देखिए वो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं ना। आप लोग चाहते हैं कि राज परिवार निर्दलीय भी लड़ ले चुनाव? राज परिवार अगर निर्दलीय लड़ेंगे उनके साथ हम लोग हैं, एकदम बेहिचक हैं उनके साथ, जहाँ तक कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए ये संजय कुमार शरण अधिवक्ता हैं, उनका परिवार है, और ये इस बात से नाराज है कि गंगा नारायण को टिकट देने की बात चल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। इस बात से पूरा परिवार नाराज है और अपनी नाराजगी जताते हुए कह रहा है कि अगर बीजेपी में उनके अलावे यानी कि राज परिवार के अलावे कोई खड़ा होता है तो उन्हें वोट नहीं देंगे। अच्छा राज परिवार मान लीजिए नहीं गंगा बीजेपी से खड़ा होते हैं तो हफीजुल भी ऑप्शन है? हाँ मेन तो हम लोग क्या बोलते हैं तीर धनुष का ये पुराना लोग पुराना कैडर तो हम लोग जो है तीर धनुष का ही है। कैसे बदल गए? और बीच में इसलिए तीर धनुष हम लोग बेटा पत्नी हम लोग फूल छाप ये तीर धनुष। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप पत्नी हैं, पत्नी जो है बीजेपी में है और पति जो है कांग्रेस में, हाँ, और बच्चा लोग भी जेएमएम में तो झगड़ा हो जाता होगा? नहीं ये अपना काम, हम लोग बच्चा लोग और हम लोग अपना काम। आप बीजेपी में क्यों मोदी जी को देख? ना मोदी जी से पहले से है, बाद में मोदी जी आए हैं, और मोदी जी का ओसा नहीं, हम लोग पहले से ही ऐसे दे रहे थे फूल से। बात को लेकर पति से झगड़ा नहीं होता है वोट? ना ये अपना हाजी साहब का ही काम करते हैं, अब तो हाजी साहब नहीं है लेकिन वो उनका ही काम करते थे हाजी साहब के। ना हम उनके बहुत नहीं लीगल एडवाइजर थे उनके यहाँ से, थोड़ा हमारे दादा पोता का थोड़ा सा रिश्ता भी है, चूंकि हम लोग का गांव एक ही जगह है। कई बार ऐसा होता है कि जो विधानसभा का क्षेत्र होता है छोटा छोटा उसमें ये बैलेंस बनाने के लिए भी परिवार के लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं कि मतलब कोई तनाव भी तो हो जाता है, झगड़ा लड़ाई नहीं हो गुस्सा नहीं हो ऐसा? नहीं ना वैसा कुछ भी नहीं था, बस तंत्र की एक खूबसूरती का उदाहरण है कि अपनी अपनी इच्छा अभिव्यक्ति का आजादी, अपना अपना अभिव्यक्ति का आजादी, बेटा लोग भी जो चाहता वो लोग, और हम लोग जो किसमें वोट?
देखिए वो लोग भी थोड़ा क्षुब्ध है, नौकरी उकरी नहीं मिल रहा है, थोड़ा वो लोग नाराज है। तो किससे, मोदी जी से या हेमंत जी से? हेमंत सरकार से भी है और सरकार से भी है, काहे कि नौकरी अभी तक कुछ अभी नौकरी नहीं निकल तो रही है। हेमंत सरकार जो है जीतने के पूर्व कुछ अलग जो है कि नहीं बेरोजगार लड़कों को कुछ आश्वासन दिए थे, और अब उनका जो है रुतबा बेरोजगार लड़कों के प्रति कुछ अलग है। जैसे कि अभी 5,000 पेंशन देने की बात आई तो हाँ, उन लोगों को जो है कि नहीं तो वो बेरोजगारी भत्ता, तो वो बेरोजगारी भत्ता में जो है कि नहीं कैटेगरी बांध दिए कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशन से जो निकलेगा, हाँ जो ट्रेनिंग कर, हाँ जो टेक्निकल है और जो सरकार के इंस्टीट्यूट से निकला हुआ हो। चेक वगैरह करने वाला तो वो तो प्राइवेट से ही रहेगा। चुनाव में भी इतना बारीकी से आप लोग देखते हैं? देखते हैं सर, ऐसा तो नहीं हो ना, हम लोग ये भी वकील साहब है, हम भी ये स्टाम्प हैंडर है। अच्छा, आप जी और तो हम भी कोर्ट में ही रहते हैं, तो हम लोग तो हर चीज को देखते हैं। नाराजगी इस बात की कि राज पलिवाल का टिकट कट गया आपको, ये बात की नाराजगी आपको भी है? जी जी जी, भाई जेएमएम के हैं लेकिन व्यक्तिगत संबंध है जिसके कारण की थोड़ी नाराजगी है। आप बताइए कि इस नाराजगी का असर मधुपुर के उपचुनाव के रिजल्ट में कुछ दिखेगा निश्चित पड़ेगा। देखिए अभी लोग जितना उनका कैडर उनका काम किए, 5 साल से उनका पीछे लगे हैं अपना, वो तो विक्षुब्ध हो गए ना। हम लोग तो कैडर नहीं है, हम लोग तो वोटर है, पर जो कैडर है वो लोग तो विक्षुब्ध हो गए ना। इस वजह से तो असर तो पड़ेगा ही, हाँ निश्चित असर पड़ेगा। लग रहा है कि बिजुल को आसानी हो जाएगा, हाँ उसमें प्लस हो जाएगा, वो उनको प्लस पॉइंट मिल गया। तय कर लिए कि नोटा जी हो गया। जी वो तो जेएमएम, हम तो बंधुआ मजदूर को कन्विंस नहीं, पत्नी को कन्विंस क्या करेंगे, इनका तो मत अपना मत है, हैं ऐसे कोशिश करेंगे कि इसको कन्वर्ट करें। हैं और पति पर हुक्म चलाने वाली पत्नी दबाव तो नहीं देंगे, लेकिन आरजू विनती करेंगे कि तीर धनुष में चला आए। देखिए उस समय अब गुप्त मतदान होता है ना, तो ये आकर के हम लोग घर में डिस्कस नहीं करे, कभी नहीं किए, कभी नहीं, ये खाली हमको पता है कि ये देते तो वहीं देते हैं, हम लोग जो हाँ हम लोग जितना भी बोलते हैं देते वहीं पर। लेकिन और हम लोग जाने के बाद जैसे कि आप बीजेपी में देते हैं, इस बार जेएमएम जीत गया तो कुछ आपको बोलते हैं, चिढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बल्कि जो हाजी साहब थे ना वो हम लोग का घर आकर थे और हम लोग को ये हम लोग का हाँ मिलते थे साहब के प्रति सबका स्नेह है। हाँ काहे कि वो हम लोग का गाँव और उनका गाँव एक ही है पिपरा, इसलिए। लेकिन उनको पता है कि हस्बैंड वाइफ अलग है, लेकिन फिर भी मानते हैं हम लोग को। हाँ देखिए ये शरण साहब का पूरा परिवार है और बड़ा ही दिलचस्प है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और सिर्फ ये शरण परिवार नहीं बल्कि इस देश में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिसमें पति किसी दूसरी पार्टी और पत्नी किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को पसंद करते हैं और वोट भी देते हैं, और दोनों ही अपनी इच्छा से करते हैं, और इसमें किसी की जो है जोर आजमाइश नहीं होती है। लेकिन फिलहाल नाराजगी इस बात को लेकर है कि राज पलिवार जो 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट थे, इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार थी उसमें मंत्री थे, उन्हें टिकट न देकर गंगा नारायण जो आजसू के उम्मीदवार थे उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया, और अब कहा जा रहा है कि उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो देखना होगा कि इस नाराजगी का असर चुनाव परिणाम पर कितना पड़ता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद द फॉलो।